हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वेलकम हेल्दी किचन में। तो आज मुझे मशरूम चिल्ली खाने का मन कर रहा था, तो मैंने सोचा बाज़ार की चिल्ली जितनी महंगी होती है उतनी अनहेल्दी भी होती है, तो आज मैं घर पे ही बना रही हूँ मशरूम चिल्ली। इवनिंग टाइम है और ये बहुत ही डिलीशियस बनी है और ये बहुत अच्छी लगी थी खाने में, तो इसकी रेसिपी आपको शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हमने एक मशरूम के 4 टुकड़े कर लिए हैं और उसमें हमने थोड़ी सी मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। अगर हम 4 टीस्पून मैदा लेंगे तो 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे और उसमें खाने का सोडा डालेंगे। तो और इसमें फिर मैं डालूँगी सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो सॉस, और इसमें डालेंगे दही। इसे एक्चुअली दही का ही घोल करना है, इसमें पानी ऐड नहीं करना है। तो ये जितना भी आपको ढीला गाढ़ा बनाना हो उसमें दही डाल के आप बनाना, और इसको इस तरह से अच्छे से मिला देंगे। तो ये मेरे चिल्ली का घोल बनके तो तैयार है। अब मैं एक पैन लूँगी और उसमें घी डालूँगी। मैंने यहाँ रिफाइन ऑयल यूज किया है और इसमें ये पकौड़े ऐसे डाल देंगे इसमें से, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे रेड होने तक। तो ये मेरे पकोड़े रेड होने लगे हैं, तो ये पकोड़े तो बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और टिशू पेपर में रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल उसमें निकल जाए। और मेन वाइल हम लोग अब एक पेस्ट बनाएंगे। इसमें मैंने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ली है और इसमें हल्का सा हम लोग पानी डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम इसे पैन में ऑयल डाल के हल्का सा ऑयल और ये पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट को हम थोड़ा सा भून लेंगे। और अब इसमें हम लोग डालेंगे सहजवान चटनी और सोया सॉस ग्रीन चिली सॉस और टोमेटो सॉस। अब इसे थोड़ा सा मिला लेंगे और इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे तो ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। फिलहाल अब हम इसमें अपने वो मशरूम के जो पकोड़े बनाए थे वो ऐड कर देंगे। मैंने इसमें ग्रीन चिली ऊपर से ऐड की है। अगर स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा ग्रीन चिली डाल सकते हो, नहीं चाहिए अगर स्पाइसी कम चाहिए तो आप अवॉइड कर दे सकते हो। इसमें मशरूम के पकौड़े हम इसे डालेंगे। इसे हल्का सा चला के हम थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि ये पतली ग्रेवी जो है वो थोड़ी हमारी गाढ़ी हो जाती है। ये देखिए आप कितनी गाढ़ी हो गई है, ये बहुत ही अच्छी बनी थी। और इसके ऊपर हम चीज़ डाल देंगे। ये अभी गर्म है तो चीज़ थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है और इसका टेस्ट अच्छा आता है। इसमें चीज़ डालेंगे और ये मैंने ऐसे रिंग्स टाइप की ये प्याज निकाल ली थी गार्निशिंग के लिए, तो इसमें ऐसे गार्निशिंग कर देंगे हम ऑनियन से, और इसमें हल्की सी धनिया पत्ती डाल देंगे। आप ट्राई ज़रूर करना, ये बहुत ही टेस्टी बना था। मतलब मेरी इवनिंग अच्छी हो गई थी ये खा के, बहुत ही टेस्टी बना था। बाज़ार में इतना मतलब पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, हेल्दी भी नहीं होता और इतनी अच्छी भी नहीं देते इतने सारे।